एक और सवाल है आप लोगों से कि पीकू की रिलीज के बाद काफी दिनों का गैप आया, तो आपको लगता है कि अब फिल्म के लिए काफी अच्छा होगा, लोगों को एक डिफरेंट फिल्म देखने को मिल जाएगी और पीकू काफी धमाल मचा, लेकिन रणवीर की बात करें, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर की बात करें तो उनकी फिल्म इतनी खास नहीं कर पाई है, लेकिन आपकी फिल्म काफी लोगों को पसंद आ रही है, प्रोमोज हो गए, गाने हो गए, तो ये अच्छा टाइमिंग है आप लोगों की फिल्म की रिलीज के लिए? अब संक्षेप में पूछेंगे सवाल, मैं समझा नहीं। फिल्म पीकू की रिलीज हुई हाँ, और उसके काफी गैप हो गया है फिल्म के बाद, तो आप लगता है कि पीकू को छोड़कर अब आपकी फिल्म को लोग सही समय पर रिलीज किया जा रहा है? जी तो हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए जो कि हम लोग मोर कंगना है, हम तो यही चाहेंगे कि जितनी फिल्म रिलीज हों सब सुपरहिट हो जाएं और बहुत ढेर सारे पैसे इस इंडस्ट्री में आए ताकि लोग ढेर सारे पैसे हमें दें। पर अगर कोई फिल्म चलती है तो अच्छी बात है, नहीं चलती है तो सबको उससे नुकसान होता है। और जहाँ तक पीको का सवाल है, बहुत अच्छी तरह चल चुकी है, कुछ और फिल्म नहीं चले हैं, पर इस फिल्म के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हर वक्त हम दो कदम आगे हैं। पिक्चर जब बनी नहीं थी लोगों ने कहा कि बन गई, जब ख़त्म नहीं हुई थी तब उन्होंने कहा कि सेंसर हो गई, जब सेंसर नहीं हुई थी मैं खुद डबिंग करा तो उन्होंने कहा रिलीज आ गया, अब कह रहे हैं कि हिट है, सुपर हिट है, अब रिलीज़ तो हो जाए पिक्चर। पर मुझे लगता है कि वक्त सही होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट 2 clear weeks बिफोर अ बिग फिल्म कम्स, होप वी मेक अ लॉट ऑफ मनी। कंगना, नेशनल अवार्ड। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan and watch me only on facebook.com/businessofcinema.